बार फिर देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। ये है संसार रूपी उल्टा ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला वृक्ष। अब जड़ तो ऊपर नहीं, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही ज्ञान दिया है, अध शाखम तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अब ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल तो वो ऊपर है परमात्मा, और अध शाखम नीचे शाखा वाला। अब तीनों गुण रूपी शाखा उस संसार वृक्ष की, ये तो पूर्ण परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म, और ये तना है ये अक्षर पुरुष, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, और ये इसके मोटी डार निकली है समझो, ये सरपुरुष यानी सरब्रह्म या काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, और तीनों गुण रूपी शाखा रज गुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है और पात रूप संसार। परमेश्वर ने अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया था 600 वर्ष पहले, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन भी कहते हैं सरपुरुष को, सरपुरुष को, ब्रह्म को, निरंजन वाकी डारे तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। अपने आत्मा जो जमीन से बाहर दिखाई देता है तो हिस्सा वो वृक्ष कहलाता है, पेड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना, और निरंजन इसको सर पुरुष भी कहते हैं, सर ब्रह्म भी कहते हैं, सर काल भी बोलते हैं, काल पुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, और निरंजन वाकी डारे तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। कितना निर्मल ज्ञान भगवान ने दे रखा अपनी सिंपल वाणी, सिंपल लैंग्वेज में, अमृत वाणी में। अपना आत्मा सन 1398 से लेकर सन 1518 तक कबीर परमेश्वर जी इस अमृत ज्ञान की वर्षा करते रहे। हमारा धन्यवाद है कि उस पुण्यात्मा धर्मदास जी ने ये लिपि बंद कर ली, और आज हमें ये प्रमाणित हो गया कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो कबीर परमेश्वर जी संस्कृत लैंग्वेज से भी अननोन थे, और फिर भी सब सदग्रंथों को जानते थे, तो वो क्या थे? वो परम अक्षर ब्रह्म थे, वो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि के रचनहार थे। और जो संस्कृत भाषा के जानने वाले, जिनको हम मैं ऋषि कह के उनकी महिमा गाते गाते मुंह मछाले पड़ गए, और वो नरे अज्ञानी थे, उन्हें कह कह का नहीं पता था इन सदग्रंथों के बारे में। अब देखिएगा अनमोल गीता ज्ञान को, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे हैं, अथ पंथ दसो अध्याय, 15वां अध्याय। हमने दूसरा मंत्र अब पढ़ना है। उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी पर्वधा यानी ये बड़ी हुई विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूपी शाखा गड़ंगा रखे ने, सीधा सारथ है वो तीनों गुण रूपी शाखा, शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, यद गुण गुरुवासत को निष्णुतमपुर शिव जी का स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर अधिपत्य है, एक एक विभाग के मंत्री हैं ये, और हमें केवल कर्मा अनुसार यही देते हैं जो कुछ भी पुण्य या पाप का फल, और कर्म के अनुसार कहते हैं यही हमें यहाँ बांधे रखती हैं, इसकी ये मुख्य कारण है बांधने की, यहाँ फंसाए रखने में। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का यानी सृष्टि रचना के बारे में स्वरूप जैसा कहा है,
वैसा यहां विचार काल में नहीं। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता संवाद में, मैं तुझे इस सृष्टि रचना, संसार रूपी वृक्ष की रचना के बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसने तो सिर्फ इतना बता दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस तीनों गुण रूपी शाखा, बाकी शेष उसको कुछ नहीं बताया गीता ज्ञानदाता ने। अब 15वें अध्याय का तीसरा मंत्र, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब कहने भाव है कि मुझे नहीं मालूम इसका, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, हम इसके साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, अति दृढ़ वाले जो सतलोक है परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता, जहां परमेश्वर रहता है वो जड़ है वहां, वो अति दृढ़ मूल वाले उस अमर परमात्मा रूपी जड़ वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार रूपी वृक्ष की संरचना के बारे में जानकारी के लिए दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, इस दृढ़ यानी अटल जिसमें कोई मीन मेख ना हो, यानी वो पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वैराग्य रूप नहीं, असंग शस्त्रेन तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उसको अच्छी तरह समझकर, अब चौथे में क्या निर्णय दिया है, 15वें अध्याय का चौथा श्लोक गीता जी का हम पढ़ रहे हैं, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से, यानी गीता ज्ञानदाता किसी और परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि धासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता फाइनल कर रहा है कि उस परमेश्वर की भक्ति करने से फिर वो साधक वहां चला जाता है, उस परमात्मा के उस परम पद की प्राप्ति कर लेता है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये भी समझ कर रहा है कि जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, और ये भी समझ कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता केवल उसकी ही भक्ति करनी चाहिए, अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे ये सिद्ध हो गया कि श्री गीता जी के ज्ञान देने वाले भगवान की साधना से भी जन्म मृत्यु नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो पद प्राप्त नहीं होता, वो स्थान प्राप्त नहीं होता, जहां जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी कभी नहीं आते, वो परमात्मा गीता ज्ञान दाता से और है, वो मूल रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12,
श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12 न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, कहता है ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी में, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरी भी जन्म मृत्यु है और मेरी भी है। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, ये 5 नंबर है, या आगे 6 है, ये 5 याजनुवाद है इसका। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मरता है, ये अविनाशी नहीं है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल है, अलौकिक है। आत्माओं, अभी आप जी ने गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 देखा, इसमें स्पष्ट किया है, ये अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 है, ये छठा यहाँ ही, छठा पांचवें का यहाँ अनुवाद। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। हो गया क्लियर? गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष भी बोलते हैं इसको। और नौवे में कहता है कि अर्जुन, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं। इसे सिद्ध हुआ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे जन्म तो हुए हैं, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। इसके 2 में मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, प्रभु माने जन्म को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी ये देवी देवता इस काल के लोक में हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, इसको सीधा ब्रह्म भी बोलते हैं। ये ब्रह्म तो इससे नेक्स्ट जो परमात्मा है सात संग ब्रह्मांड का, उसको पर ब्रह्म बोलते हैं, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और इन दोनों से जो सुप्रीम पावर है, कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, देखिएगा अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म क्या है? तत् माने वह ब्रह्म, वह ब्रह्म तत् ब्रह्म क्या है? अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 के यहाँ श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण के, जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, माम आश्रित यतंती, ये मेरे आश्रित होकर कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और वो जो मेरी इस बात को मान लेते हैं फिर वो प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्ष मम आश्रित, मेरे इस ज्ञान को आधार मानकर, और जो जरा और मरण यानी बुढ़ापे, वृद्धावस्था और मृत्यु से